पंचवीं जमात के सारे विद्यार्थियों सत श्रीकाल। प्यारे विद्यार्थियों, अज असी अभ्यास शीट पांच विचों प्रश्न पांच तो अगले सवाल हल करने हैं। ये सारे सवाल बहु विकल्पिक प्रश्न हैं जिन्हां विच असी दित्ते गए चार विकल्पों विचों सही विकल्प की चोण करनी है। प्रश्न छे है कि हेठां दित्ते कथनों विचों गलत कथन की चोण करो। इत्थे आपां नूं चार कथन दित्ते गए हैं, असी इन्हां विचों एक गलत कथन की चोण करनी है। तो असी वारी वारी हरेक कथन देखते हाँ। पहला कथन है कि 24-24 का गुणनखंड है। प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 3 विच असी सिख्या सी कि हरेक संख्या अपने आप का गुणनखंड हुंदी है, जिवें कि 5-5 का गुणनखंड है, 6-6 का गुणनखंड है, 8-8 का गुणनखंड है। तो इस हिसाब नाल जो सानू पहला कथन दिता गया है कि 24-24 का गुणनखंड है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूजा कथन है कि संख्या एक ना तो पाज है ना ही अपाज। प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि संख्या एक का केवल एक ही गुणनखंड हुंदा है, इसलिए एक ना तो पाज है ना ही अपाज, तो दूजा कथन भी सही है। तीजा कथन है हरेक संख्या अपने आप का गुणज है, जिवें कि इत्थे असी देख पा रहे हाँ कि 2-2 का गुणज है अते 3-3 का गुणज है। तो अपना तीसरा कथन कि हरेक संख्या अपने आप का गुणज है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा कथन है कि 36 5 अते 7 का गुणज है। प्यारे विद्यार्थियों, 5 अते 7 नूं गुणा करन ते 35 प्राप्त हुंदा है, तां 5 अते 7 का गुणज 35 है ना कि 36। तो इस तरह अपना चौथा कथन गलत है, क्योंकि असी गलत कथन की चोण करनी है, तो असी सस्ता विकल्प उपर सही का निशान लगावांगे। हुण असी प्रश्न 7 हल करांगे। प्रश्न 7 है किहड़े चित्र विच रंगे भाग की पिन 1/4 है। इत्थे आपां नूं 4 चित्र दिते हुए हैं। ऊड़ा चित्र विच कुल 4 हिस्सों विचों 2 हिस्सों विच रंग भरे हुए हैं, तो इत्थे रंगे हुए भाग की पिन है 2/4। ऐड़ा चित्र विच कुल 4 हिस्सों विचों 2 हिस्सों विच रंग भरिया होया है, तो इत्थे भी रंगे गए भाग की पिन है 2/4। ईड़ी चित्र विच कुल 3 हिस्सों विचों 2 हिस्सों विच रंग भरिया होया है, तो इसकी पिन है 2/3। अते सस्सा चित्र विच कुल 4 हिस्सों विचों 1 हिस्से विच रंग किया गया है, तो इसकी पिन है 1/4। 1/4 भाव 1/4। प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि सस्सा चित्र विच रंगे हुए भाग की पिन 1/4 है, तो असी सस्सा विकल्प उपर सही का निशान लगावांगे। हुण असी प्रश्न 8 हल करांगे। प्रश्न 8 है निर्मल ने आकृति नूं बराबर हिस्सों विच वंडिया, हरेक हिस्से की पिन दसो। इत्थे आपां नूं एक आकृति दिती गई है जिसनों बराबर भागां विच वंडिया होया है, अते उत्तर वजों आपां कोल 4 विकल्प हन। पहला विकल्प है अद्धा, दूजा विकल्प 1/3, तीजा विकल्प 1/4, अते चौथा विकल्प 2/3। प्यारे विद्यार्थियों, एक हिस्से की पिन पता करन लई असी एक नूं अंश वजों लिखांगे अते हर विच कुल हिस्सों की गिनती लिखांगे जो कि 3 है। तो इस प्रकार एक हिस्से की पिन है 1/3। ऊड़ा विकल्प है अद्धा जो कि गलत है, ऐड़ा विकल्प है 1/3 जो कि सही है, तो असी ऐड़ा विकल्प उपर सही का निशान लगावांगे। हुण असी प्रश्न 9 हल करते हाँ। प्रश्न 9 है कि हेठां दिते चिन्हां विचों भारतीय मुद्रा का चिन्ह केड़ा है। हेठां आपां नूं 4 चिन्ह दिते हुए हैं, रुपए, डॉलर, पाउंड अते यूरो। प्यारे विद्यार्थियों, यूरो यूरोपी देशों विच वरती जाती करंसी का चिन्ह है। पाउंड यूके भाव इंग्लैंड विच वरती जाती करंसी का चिन्ह है। डॉलर अमरीका कनेडा समेत होर कई देशों विच वरती जाती करंसी का चिन्ह है, अते रुपए भारत विच वरती जाती करंसी का चिन्ह है। तो बच्चो, भारतीय मुद्रा का चिन्ह ऊड़ा विकल्प विच दिता होया है, तो असी ऊड़ा विकल्प उपर सही का निशान लगावांगे। हुण असी प्रश्न 10 हल करांगे। प्रश्न 10 है
ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟ ਦੇ ਬਦਲੇ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ 4 ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 50 ਪੈਸੇ ਦੇ 2 ਸਿੱਕੇ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਊੜਾ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਹੈ। 50 ਪੈਸੇ ਦੇ 8 ਸਿੱਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੜਾ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹੈ। 50 ਪੈਸੇ ਦੇ 5 ਸਿੱਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈੜੀ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੈ। 50 ਪੈਸੇ ਦੇ 10 ਸਿੱਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਵਿਕਲਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੈ। 50 ਪੈਸੇ ਦੇ 20 ਸਿੱਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਸਾ ਵਿਕਲਪ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੀਟ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6 ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।